टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस लाल बटन पर क्लिक करके, और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक इन्फो हिंदी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीस। फ्रेंड्स, जियोनी ने अपना एक नया फोन लॉन्च कर दिया है इंडिया में, जिसका नाम है जियोनी A1 लाइट। तो आइए हम जानते हैं इस फोन के बारे में कि कितना प्राइस रखा गया है, कैसे फीचर के साथ इंडिया में आया है, और साथ साथ आपके लिए ये फोन कैसा होगा, ये आप जान पाएंगे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ऐसे वीडियोस पाने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे 5.3 इंच का HD 2.5D कर्व ग्लास के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का। यहाँ पे प्रोसेसर जो दिया गया है वो है 1.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मीडियाटेक का MT6753 वाला प्रोसेसर। यहाँ पे 3 GB का रैम आपको देखने को मिलता है, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसको आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट से। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है माली का T720 का GPU। यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स कैमरे की, तो यहाँ पे सबसे मेन चीज जो है इसका कैमरा में फोकस किया गया है। फ्रंट कैमरा जो है सेल्फी के लिए आपको 20 MP का कैमरा देखने को मिलता है, बैक कैमरा जो है आपको 30 MP का कैमरा देखने को मिलेगा विद फ्लैश। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 4000 mAh का बैटरी, साथ साथ 4G सपोर्टेड ये फोन है। यहाँ पे ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट सब कुछ देखने को मिलता है। इस फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है अमीगो 4.0, जो कि बेस्ड है 7.0 नुगट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यही सब चीजें इस फोन में दी गई है फ्रेंड्स। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये सब चीजें तो दी गई हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कि 14,999 में ये फोन एक्चुअल में इसमें क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है। पहले हम बात करते हैं अच्छाई के बारे में। यहाँ पे आपको 4000 mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे डिस्प्ले जो मिल रहा है 5.3 इंच का, उसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 3 GB का रैम है, चलिए ठीक ठाक है। तो ये सब चीज अच्छी है। बात करें बुरी चीजों के बारे में, कॉन्स के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारी बुरी चीजें दी गई है। जैसे कि इसका प्रोसेसर मीडियाटेक का MT6753 वाला प्रोसेसर, जो कि कम से कम आपको 8,000 के प्राइस में देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे जो मतलब जो रैम दिया गया है, कम से कम 4 GB तक देना चाहिए था। अभी कंपटीशन का बाजार है, लिनोवो और रेडमी जो है वो सब मतलब 4 GB तक दे देती है इतने प्राइस में, लेकिन यहाँ 3 GB आपको देखने को मिलता है। और चीज में एक चीज और खराब है, वो है इसका डिस्प्ले। 5.3 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे HD डिस्प्ले दिया गया है। कैमरा यहाँ पे बहुत अच्छा है, 20 MP का कैमरा आपको फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है, सेल्फी के लिए आपको 15,000 में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बता दिया फ्रेंड्स। अब बात होती है खरीदने की, तो मैं यही बोलूंगा कि ये फोन नहीं लेना चाहिए। आप ले सकते हैं लिनोवो का K8 नोट, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है और 18 अगस्त से मिलने वाला है, तो वो फोन आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। वो उसमें सब कुछ अच्छा है, डिस्प्ले बोलिए, उसका प्रोसेसर बोलिए, उसका जो रैम है, उसका जो बैटरी है, सब कुछ वहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलेगा, तो वो फोन आप ले सकते हैं। तो चलता हूँ फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।